हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? खुश करो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं हूँ रोशन यादव और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स रोशन टीचिंग के माध्यम से। तो फाइनली मैं आज पढ़ाऊंगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस डेफिनेट। क्या फ्रेंड्स? सिंपल पास्ट या पास्ट टेंस डेफिनेट। पास्ट टेंस का फर्स्ट पेज है, यानी चार ठो भेद होते हैं, उसमें से फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो फाइनली आ जाओ रूल एंड आइडेंटिटी। रूल एंड आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है इससे अगले वीडियो में, और वो भी बेस से, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, जो जो जितना वर्ड होता है ना सबके साथ होता है, और ठीक है वी टू, ठीक है ना। था थे थी आ ए ई, ठीक है ना। और मेन वर्ब हो जाएगा वी टू। ओके, नोट इसमें लिख ले। नोट का मतलब ये होता है जो आप हिंदी से उसका स्पष्ट कर दीजिए, ठीक है ना। भूतकाल के जिस वाक्य में कोई काम अनिश्चित होने का बोध हो तो उसे हम इस प्रकार बनाएंगे, ठीक। किस प्रकार? स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर पूरा ट्रांसलेट इसी पर बैठता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, वह पटना गया, तो लास्ट में क्या गया, या ए आ रहा है। वह पटना गया तो वह क्या होता है ही, और देखिए वी वन होता है गोमिस, क्या होता है जाना वी वन। वी टू हो गया वेंट, वी थ्री गॉन, वी फोर आई एन जी लगा दीजिए तो वी फोर हो जाएगा, और ईस लगा दीजिए तो वी फाइव, और वी सिक्स सेम का सेम होता है। ही वेंट टू पटना, ठीक है ना। वी वेंट टू पटना, इवेंट जो है ना वी टू है, यही वी टू यहीं पर आपका उपयोग करना होगा, वी टू ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आज बताऊंगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग कैसे किया जाता है। सो हेलो गाइस, थैंक यू।